हंस परिवजक आचार्य श्री श्रीमद अवचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव विंद की ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की शिष्य गोनिताई की शिला प्रभुपाद की निताई गोत प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम स्कंद दो अध्याय छह पुरुष सुक्त की पुष्टि श्लोक संख्या पांच और छह। पांच में तात्पर्य कम है इसलिए छठा लिया है। पांच में पढ़ लेता हूं, छठा सात में पढ़ेंगे। रोमाणी उद्दिज जाति नाम ये वा यज्ञ सुसंवृत केश समश्रु नखानी अस्य शीलालोह अम्र विदुताम। अनुवाद। उनके शरीर के रोम समस्त प्रकार की वनस्पतियों के कारण है, विशेष रूप से उन वृक्षों के जो यज्ञ की सामग्री अव्यय के रूप में काम आते हैं। उनके सिर तथा मुख के बाल बादलों के आधार हैं और उनके नाखून बिजली पत्थरों तथा लोह अयस्कों के उद्गम स्थल हैं। तात्पर्य, श्री भगवान के चमकदार नाखून बिजली उत्पन्न करते हैं और सारे बादल उनके सिर के बालों पर टिके रहते हैं। अतएव श्री भगवान के शरीर से जीवन की सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुएं एकत्रित की जा सकती है, इसलिए वेद
इसकी पुष्टि करते हैं कि श्री भगवान समस्त वस्तुओं के कारण है, श्री भगवान समस्त कारणों के परम कारण है। श्लोक संख्या 6, बहावः लोकपालानां प्रायशः क्षेम कर्मणां, बहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेम कर्मणां, बाहो लोकपालानां प्रायशः सेम कर्मणां, बाहो लोकपालानां प्रायशः सेम कर्मणां। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य शिला ऐसी भक्ति स्वयं प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा। बहावः भुजाएं, लोकपालानाम लोकों के अधिपति या देवताओं के, प्रायशः प्राय क्षेम कर्मणाम जन सामान्य के शासकों तथा रक्षकों के। अनुवाद, श्री भगवान की भुजाएं बड़े बड़े देवताओं तथा जन सामान्य की रक्षा करने वाले अन्य नायकों के उद्गम स्थल है। तात्पर्य, श्रीमद् भागवतम के इस महत्वपूर्ण श्लोक की श्रीमद् भगवद गीता 10वां अध्याय श्लोक 41 और 42 में निम्नलिखित प्रकार से पुष्टि और व्याख्या हुई है। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद अर्जितम एव वा तद तद एवा गच्छ त्वम मम तेजो अंश संभवः अथवा बहु बहुनेतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्ट भया अहम इदम कृष्णम एका अंशेन स्थितो जगत। समस्त शक्तिशाली राजा, नेता, विद्वान, वैज्ञानिक, सलाहकार, अभियंता, अन्वेषक, पुरातत्वविद, उद्योगपति, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, श्रेष्ठ व्यापारी तथा अनेक शक्तिशाली देव यथा ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण तथा मरुद जैसे देवता जो अपने अपने पदों पर ब्रह्मांड के कार्यों की देखरेख कर रहे हैं, सभी परमेश्वर के विभिन्न शक्तिशाली अंश हैं। परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण उन समस्त जीवों के पिता है जो अपनी अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं के अनुसार नाना प्रकार के उच्च तथा निम्न पदों पर आसीन है। उनमें से कुछ जिनका उल्लेख विशेष रूप से ऊपर किया गया है श्री भगवान की इच्छा अनुसार विशेष शक्ति से संपन्न है। बुद्धिमान मनुष्य को यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि जीव चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, न तो वो पूर्ण होता है न स्वतंत्र। सारे प्राणियों को इस श्लोक में लिखे अनुसार अपनी विशेष शक्ति का मूल उद्गम स्वीकार करना चाहिए। यदि वे इसके अनुसार कर्म करते हैं तो वे अपने अपने वृत्ति परक कर्मों को करने मात्र से जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और ये सिद्धि है शाश्वत जीवन, पूर्ण ज्ञान तथा अक्षय आशीष। जब तक विश्व के शक्तिशाली व्यक्ति अपनी अपनी शक्तियों के उद्गम को अर्थात श्री भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं तब तक माया के सारे कार्यकलाप चलते ही रहेंगे। माया के कार्य ऐसे होते हैं कि शक्तिशाली व्यक्ति भ्रामक भौतिक शक्ति द्वारा दिग्भ्रमित होकर अपने आप को इस विश्व में सर्वेस्वा मान बैठता है और इस चेतना का विकास नहीं कर पाता। फलस्वरूप संसार में मिथ्या अहंकार भाव मैं तथा मेरा का प्राधान्य हो गया है और मानव समाज में अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष स्पर्धा चल रही है। अतः बुद्धिमान वर्ग के लोगों को चाहिए कि श्री भगवान को समस्त शक्तियों के परम स्रोत के रूप में स्वीकार करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनको सम्मान प्रदर्शित करें।
श्री भगवान को प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी स्वीकार कर लेने से मनुष्य को जीवन की सर्वोच्च सिद्धि मिल सकती है, क्योंकि वे वास्तव में ऐसे हैं। समाज की दृष्टि में मनुष्य चाहे जो भी स्थान हो, मनुष्य का काज जो भी स्थान हो, किंतु यदि वह श्री भगवान से प्रेम भाव का आदान प्रदान करने का प्रयत्न करता है और श्री भगवान के आशीर्वादों से तुष्ट रहता है, तो उसे सर्वाधिक मानसिक शांति का अनुभव होता है, जिसके लिए वह जन्म जन्मांतर से लालायित रहता है। मानसिक शांति या दूसरे शब्दों में मन की स्वस्थ अवस्था तभी प्राप्त की जा सकती है जब मन श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित हो। श्री भगवान के अंशों को श्री भगवान की सेवा करने की विशेष शक्ति प्रदान की गई है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार श्रेष्ठ व्यापारी के पुत्रों को प्रशासन की विशिष्ट शक्ति प्राप्त रहती है। आज्ञाकारी पुत्र कभी भी अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करता, अतएव वह परिवार के अध्यक्ष अर्थात पिता की सहमति से अत्यंत शांतिपूर्ण जीवन बिताता है। चूंकि इस प्रकार चूंकि श्री भगवान पिता है, अतएव सारे जीवों को आज्ञाकारी पुत्रों की तरह अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से और संतोषजनक तरीके से निभाना चाहिए और पिता की इच्छा पूरी करनी चाहिए। इस प्रवृत्ति से ही मानव समाज में तुरंत शांति तथा संपन्नता आ सकेगी। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया सक्षूर मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रश्नाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेस्ताणिने श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहां पर जो विषय चल रहा है, नारद जी ने प्रश्न पूछा था ब्रह्मा जी को कि भगवान ये अद्भुत सृष्टि कैसे करते हैं। उसका उत्तर ब्रह्मा जी नारद जी को दे रहे, और ये भौतिक जगत में जो सर्जन हुई वस्तुएं हैं उसकी तुलना ब्रह्मा जी कर रहे हैं भगवान के विश्व रूप के अलग अलग शरीर के अलग अलग अंगों से। भौतिक जगत में भगवान की अलग अलग वस्तुओं का कैसे प्रागट्य होता है उसके बारे में वर्णन चल रहा है। तो श्लोक संख्या 5 में बताया कि उनके शरीर के जो रोम समस्त प्रकार की वनस्पति के कारण है, इस भगवान के रोम है उससे वनस्पति उत्पन्न हुई है, विशेष रूप से उन वृक्षों के जो यज्ञ की सामग्री अवयव के रूप में काम आते हैं। वनस्पति में कुछ ऐसे हैं जो यज्ञ करने में काम आते हैं, उनकी उत्पत्ति भगवान से हुई है। उनके सिर तथा मुख के बाल बादलों के आगार हैं और उनके नाखून बिजली पत्थरों तथा लोक के अन्वेषों के उद्गम स्थल है। श्लोक संख्या 6 में बताया है कि श्री भगवान की जो भुजाएं हैं वो बड़े बड़े देवता तथा जन सामान्य की रक्षा करने वाले अन्य नायकों के उद्गम स्थल है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में पहला पैराग्राफ पहली लाइन में लिखा है, भगवान कृष्ण ने भगवद गीता के 10वें अध्याय के अंदर अपने ऐश्वर्य का वर्णन किया, 7वें अध्याय में किया थोड़ा, 9वें अध्याय में किया थोड़ा, लेकिन 10वें अध्याय में विशेष रूप से किया। और ऐश्वर्य का वर्णन करने के बाद भगवान ने सारांश दिया कि ये तो मैंने मेरे ऐश्वर्य का इंडिकेशन दिया है। यद यद विभूतिमत सत्वम श्रीमद उजितम एववा तत्त एवागंच त्वम मम तेजो अंश संभव। ये मेरे एक तेज मात्र से संभव है पूरी सृष्टि, मेरे एक अंश मंस गर्भोदक्ष विष्णु उनका विस्तार है, वो उनके एक तेज के अंश से ये संभव है भगवान के लिए। एसेंस दिया अपने ऐश्वर्यों का, मतलब प्रभुपाद जी ये बताना चाहते हैं कि भौतिक जगत में जो भी शक्तिशाली है, ऐश्वर्यशाली है, पावरफुल व्यक्ति है, उनके अंदर जो तेज है वो सब भगवान का तेज है। प्रभुपाद जी नाम लिख रहे हैं समस्त शक्तिशाली राजा, वो आगे जो समस्त शब्द है वो सबके लिए आया है। समस्त शक्तिशाली राजा, समस्त
शक्तिशाली नेता, समस्त विद्वान, समस्त वैज्ञानिक, समस्त कलाकार, समस्त अभिनियंता, समस्त अन्वेषक, सब कुछ जितने भी लोग हैं वो भगवान की शक्ति से अभिभूत है। और प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के तात्पर्य को सिस्टमेटिक बहुत अच्छा समझाया है कि समाज में शांति कैसे आ सकती है और अशांति क्यों होती है। तो इनडायरेक्टली इसको हम कोरोना से रिलेट कर सकते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों से, दोनों तरफ से, प्रत्यक्ष रूप से भी जुड़ा हुआ है और अप्रत्यक्ष रूप से भी ये श्लोक जुड़ा हुआ है। प्रभुपाद जी ये कहना चाहते हैं कि ये जो समाज के बड़े बड़े शक्तिशाली लोग हैं, जब तक विश्व के शक्तिशाली व्यक्ति, मतलब जो प्रभुपाद जी नाम बताए हैं, नेता, विद्वान, वैज्ञानिक, कलाकार, अभियंता, अन्वेषक, पुरातत्वविद, उद्योगपति, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, श्रेष्ठ व्यापारी और देवता, ये जो बड़े बड़े नेता है व्यक्ति, अपनी अपनी शक्तियों के उद्गम अर्थात श्री भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक माया के कार्यकलाप चलते रहेंगे, तब तक माया समय समय पर वायरस छोड़ती रहेगी। ये माया का कार्यकलाप है, वो छोड़ेगी। और हम देखते हैं, ठीक है, इसमें जो देवताओं का नाम दिया है तो स्वाभाविक रूप से जो देवता है वो तो भगवान की सत्ता को स्वीकार करते हैं, इसमें तो संदेह है ही नहीं। लेकिन ऊपर के जो लोग हैं, जिसमें राजा, भौतिक जगत के अभी राजा, नेता, विद्वान, वैज्ञानिक, कलाकार, अभियंता, ये सब नास्तिक है, सब नास्तिक और सब असुर है। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रबंधे नराधर्मा माया प्रज्ञाना आसुरम भावाश्रिता, ये सब आसुरी विचारों से ग्रस्तित है, इसलिए समाज के अंदर इतनी सारी समस्याएं हैं। और इन लोगों को सीधा करने के लिए ही भगवान ऐसे वायरस भेजते हैं, एहसास कराने के लिए। प्रभुपाद जी का इन सबको अपनी शक्तियों के स्रोत को जानना चाहिए, इन सभी को अपनी शक्तियों का स्रोत को जानना चाहिए। हमको भी, अपनी भक्तों को भी अपनी शक्तियों का स्रोत को जानना चाहिए। आज हम जो भी है, वो तो भगवान के कारण है, हमारा ज्ञान, हमारी भक्ति, और विशेष के अंदर किसी की भक्त के अंदर प्रचार करने की क्षमता होती है तो वो भगवान देते हैं। जैसे चैतन्य चैतन्य बताया है कि चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को वाराणसी में शक्ति प्रदान किया, विशेष शास्त्र लिखने की शक्ति प्रदान किया, भक्ति प्रचार के विषय में शास्त्र लिखने के लिए। और रूप गोस्वामी भक्ति रसा में सिंधु में मंगलाचरण में लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने मुझे ये शक्ति दिया। तो एक भक्त होता है वो सत्य को स्वीकार करता है, सत्य को स्वीकार करता है कि जो मेरी शक्ति है ये प्रभु आपके कारण है। लेकिन नास्तिक लोग स्वीकार नहीं करेंगे, असुर लोग स्वीकार नहीं करेंगे कि जो हमारे पास शक्ति है, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास जो भी क्षेत्र है वो भगवान के अस्तित्व के कारण है, वो स्वीकार नहीं करने के कारण ये आपत आती है हमारे पर। प्रभुपाद जी इसमें से लिखा लास्ट के ऐसे, तभी जीवन में शांति आ सकती है। प्रभुपाद जी ने कहा, अतएव सारे जीवों को, सारे जीवों को मतलब ये नेता तो है ही है, इन जीवों को आज्ञाकारी पुत्रों की तरह अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से और संतोषजनक तरीके से निभाना चाहिए, पिता की इच्छा पूरी करना चाहिए। इस प्रवृत्ति से ही मानव समाज में तुरंत शांति तथा संपन्नता आ सकेगी। लेकिन असुर लोग मर जाएंगे लेकिन भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे, भगवान का आश्रय नहीं लेंगे। यही देवताओं और असुरों में अंतर है। देवताओं को पता है कि विष्णु परम सत्य है, ऐसा पता नहीं है, पता नहीं है, सॉरी, असुरों को पता है विष्णु अल्टीमेट है, शक्तिशाली है। लेकिन हम देखते हैं शास्त्रों वर्णन है कि जब देवताओं और असुरों में आपत्ति आती है तो असुरों को अपने शक्ति पर घमंड होता है, देवताओं तुरंत विष्णु के आश्रय में जाते हैं कि हमको रक्षा कीजिए, यही देवी गुण है, शेल्टर लेते हैं और इसके कारण ही वो जीतते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत में बताया कि हालांकि समुद्र मंथन में असुरों और देवताओं ने समान तरीके से मेहनत किया था, लेकिन भगवान विष्णु की भुजाओं में आश्रित होने के कारण अमृत का रस आस्वादन देवताओं ने किया, असुरों ने किया। ये बेनिफिट है। स्वाभाविक रूप से भगवान एक भक्त वत्सल है और जो उनके आश्रय में आते हैं उनकी रक्षा करते हैं। अब रक्षा को कैसे समझना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम भौतिक दृष्टिकोण से रक्षा समझते हैं, लेकिन रक्षा दो तरीके से होती है, खाली मात्र भौतिक दृष्टिकोण से रक्षा नहीं होती है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी होती है। कई बार सोचते हैं कि कहीं संकट आता है तो
भक्त भी भगवान को प्रार्थना करते हैं तो कई बार भक्त को भगवान बचाते नहीं है, भक्त को नहीं बचाते हैं। तो हमारी दृष्टिकोण से ऐसा लगेगा कि यार भगवान ने बचाया नहीं, भगवान ने दूसरी तरीके से बचाया उनको, वो हमको ज्ञात नहीं है, उनके भक्ति की रक्षा की उनकी। नेहा भी कमोना स्वस्ती प्रत्यपायो न वीते सब अल्प से धर्म से त्रातो मतुमायात, जो भक्ति की रक्षा की जो बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर तो हमने करोड़ों करोड़ों लिया है, करोड़ों करोड़ों लेंगे, वो तो ऐसे ही मिल जाएगा प्रकृति के अनुसार। जातसि ही ध्रुव जन्म मृत्यु, जो मरा है उसका जन्म होगा, शरीर मिलेगा आपको बुद्धि जगत में, उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, भक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए शरीर से भी ज्यादा है रक्षा करना किसकी, भक्ति की। इसलिए रक्षा को मात्र ये नहीं सोचना चाहिए कि शारीरिक रक्षा की बात कर रहे हैं भगवान, तो हम हमारा भी भगवान के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। भगवान भक्ति की रक्षा करते हैं, इसलिए कई बार भगवान शरीर की रक्षा भी करते हैं, कई बार नहीं भी करते हैं, वो निर्णय भगवान के हाथ में, किसकी शरीर की रक्षा करनी है, किसकी नहीं करनी है, क्यों करनी है, क्यों नहीं करनी है, वो भगवान के हाथ में। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हमको आश्रय लेना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी यहां बता रहे हैं कि जो बड़े बड़े लोग हैं ये भगवान का आश्रय नहीं लेते, और जो अपनी शक्ति का जो उद्गम है उनके पास विशेष शक्तियां हैं। आज वैज्ञानिकों के पास विशेष शक्ति है, बड़े बड़े शक्तिशाली नेताओं के पास विशेष शक्ति है, हमारे पीएम का विशेष शक्ति है, एक अनाउंस कर दिया 5 बजे थाली बजाना है, एक व्यक्ति ने बाकी नहीं छोड़ा, सबने थाली बजाया, शक्ति है ना। हम बोलेंगे तो कोई सुनेगा नहीं, एक उदाहरण के रूप में शक्ति है। तो शक्ति आई कहां से, भगवान से। तो प्रभुपाद जी बोले उस शक्ति का सम्मान करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है जो आसुरिक नेता है वो उस शक्ति का सम्मान नहीं करते। इसलिए श्रीमद् भागवत में ऐसे लोगों के बारे में बहुत अच्छा श्लोक है, फेमस श्लोक, प्रभुपाद जी का बहुत प्रिय श्लोक, स्व विट वराह उष्ट खरे संसुत पुरुष पशु न यत कर्ण पंथ उपेत जातु नाम गदा अग्रजः। कुत्तो, प्रभुपाद शब्द बड़े कड़े लिखे हैं, कुत्तो सूकरो ऊंटो तथा गधों जैसे पुरुष, उन पुरुष को प्रशंसा, उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी स्मरण नहीं करते हैं। आज विश्व के नेता देख लो, पूरे विश्व के नेता है सभी इस स्थिति में आते हैं, इस श्रेणी में आते हैं, बड़े बड़े नेता यही श्रेणी में आते हैं। क्यों, आज समाज में इतनी संकट और महामारी है, किसी कोई भी नेता ने यह सलाह नहीं दी कि आप भगवान का आश्रय लो। आया कोई पेपर में, नहीं आया, नहीं आया। ये आसुरी गुण है, रावण जैसा गुण है ये। रावण को अपना शक्ति पर बहुत वो था, घमंड था, किसी के आगे नहीं झुकूंगा, मर जाऊंगा किसी के आगे झुकूंगा नहीं। एक बार कौन, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं या भक्ति सिद्धांत महाराज, दो व्यक्तियों के बीच एक तर्क होता है, क्या है, कैची कैची और चाकू के बारे में तर्क होता है, वो समुद्र में डूब के मर जाता है लेकिन अपनी कैची को ऊंच रखता है कि कैची सही है। तो ऐसे ही जो घमंडी व्यक्ति है उनको अपनी शक्तियों, आधुनिक विज्ञान की टेक्नोलॉजी, उन पर बहुत विश्वास है, और भगवान ने वायरस इसलिए छोड़ा है उस विश्वास को तोड़ने के लिए, जानबूझकर छोड़ा है भगवान ने। क्योंकि प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के तात्पर्य में कहा है कि सभी परमेश्वर के विभिन्न शक्तिशाली अंत है, और यहां पर बताया है कि जीव कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो भगवान के समान नहीं हो सकता, भगवान से वो स्वतंत्र नहीं है। कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो कोई व्यक्ति, वो स्वतंत्र नहीं है, भगवान के समान नहीं है। हम सोच सकते हैं इससे कैसे, एक वायरस छोड़ा इतना जिसको हम आंखों से तो देख नहीं सकते हैं, उसको दूरबीन से देखना पड़ेगा छोटी से, पूरे विश्व की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को हिला के रख दिया एक वायरस ने, इतनी शक्ति है भगवान की, खाली मात्र एक वायरस ने। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े विद्वान सब बोल रहे हैं, नारद संहिता में ये भविष्यवाणी किया है, ये किया है, वो किया है, लेकिन रोक नहीं पा रहे, रोक नहीं पा रहे हैं। ये भगवान की अमोघ शक्ति है, हम सोच सकते हैं कैसी शक्ति है भगवान की।
एक छोटा सा मच्छर से भी छोटा है, हजार मच्छर इकट्ठा करो, सॉरी 1000 कोरोना वायरस इकट्ठा करो तो उससे एक मच्छर बन सकता है शायद। 500 माइक्रोन का है, आप सोचिए इतना बारीक है। पूरे विश्व के सभी बड़े बड़े धर्म धुरंधर, नास्तिक आस्तिक, सबको हिला के रख दिया है। और ये बुद्धि लगा रहे हैं, जब से इसका आया इसके बुद्धि लगा रहे हैं, उसको कोई मार्ग ही नहीं मिल रहा है रोकने का। शटडाउन कर रहे हैं, लॉकडाउन कर रहे हैं, लॉकडाउन है वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है इसका, ये टेम्परेरी सोल्यूशन है। जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक इसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, लॉकडाउन भी नहीं रोक पाएगा। ओपन चैलेंज, क्यों? भगवान चाहते हैं, भगवान चाहते हैं। महाभारत के अंदर वर्णन है, जो महाभारत के युद्ध होने था, बड़े बड़े लोग उसको रोकने का प्रयास कर रहे थे, ऐसा नहीं कि रोकने का प्रयास नहीं करे, पिताम भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये कोई सामान्य जीव नहीं थे। आज के नेता, आज के वैज्ञानिक, उनके सामने कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े लोग थे, मैत्रेयी मुनि, सब समझाने गए थे, शक्तिशाली लोग थे, विद्वान थे, धार्मिक थे, रात दिन लगे हुए थे। व्यास ने भी प्रयास किया, भगवान के अवतार, प्रयास किया, समझाया लास्ट, अगले दिन रात को धृतराष्ट्र को समझाया। धृतराष्ट्र ने हाथ खड़ा कर दिया, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, ठीक है मर दे दो बेटा, मरने दो। तो बच्चे बाल नहीं मार रहे, मतलब ये बोधि जगत के जीव है, जो भोग है वो सब बच्चे हैं, भोग करने वाला जीव है वो बच्चे है, और बच्चे भगवान की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, नहीं भगवान की बात मानने को तैयार। इसलिए पता है, प्रभुपाद जी से बताया, ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। सब लोग भगवान की आज्ञा का पालन करेंगे ना, सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। प्रभुपाद जी ने पॉइंट टू पॉइंट तात्पर्य में पढ़ूंगा बाद में, अच्छा समझाया। तो बड़े बड़े व्यक्तियों ने युद्ध को रोकने का प्रयास किया, लेकिन अल्टीमेट भगवान चाहते थे, भगवान चाहते थे, इसलिए उनको कोई भी रोक नहीं पाया, कोई शटडाउन। ऐसा नहीं है कि रूम बंद करके अंदर बैठ जाएंगे तो यमराज रूम में नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। यमराज के लिए कोई भौतिक आवरण है वो रोक नहीं सकता। अल्टीमेट कोरोना का मतलब है मृत्यु, और मृत्यु को कौन रोक सकता है? खाली भगवान ही रोक सकते हैं, और कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं बचने का, ओके, भगवान जिसको बचाना चाहते हैं उसको कोई नहीं मार सकता, और भगवान जिसको मारना चाहते हैं उसके घर में वो बंद किया हो, कहीं से भी वायरस आ जाएगा। कैसे वायरस आ सकता है? एक आदमी सब्जी ले गया, उसके हाथ में वायरस है, सब्जी लेकर, हाँ भाई ये सब्जी क्या भाव है, अच्छी नहीं है ककड़ी भाई, इधर रखी, वो उसके ऊपर चिपक गया, आपने वो सब्जी ले आया, चिपक गया और चला गया अंदर, हो गया। ऐसा नहीं है कि वायरस सब शटडाउन करने से बंद हो जाएगा, फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन मृत्यु है, वायरस बंद हो जाएगा, लेकिन मृत्यु का क्या? हमको डर वायरस का नहीं है, हमको डर मृत्यु का है। मृत्यु का क्या? वो तो बंद नहीं होगी। हम सोच रहे हैं ऐसे कर देंगे बंद हो जाएगी, ऐसे कर देंगे बंद हो जाएगी, ऐसे कर देंगे बंद हो जाएगी। अर्जुन ने भी ऐसा किया था, अर्जुन बहुत गहरी समस्या में फंस गया था, बहुत ट्राई किया अर्जुन ने अपनी बुद्धि से निकलने का। अंत में अर्जुन ने कहा, कार्पण्य दोषो पस्ता स्वभाव परछामी तवाम धर्म समूर्सेता। ऐसा नहीं कि अर्जुन ने बुद्धि नहीं लगाई, अर्जुन ने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स किए, भगवान से तर्क किए, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, तर्क करते 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 मैं कंफ्यूज हो गया। भगवान बोला, मूर्ख तर्क कर रहा है, तर्क करते करते क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया। अगर मैं किसी को समझाऊं 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 और फिर बोलो मैं खुद कंफ्यूज हो गया। तो अर्जुन ऐसा हुआ था, अर्जुन ने भगवान ने तर्क किया, भगवान को सलाह दिया, भगवान को कन्विंस कर रहा था, ऐसे होगा, इसका ये असर होगा, आपको पता है, भगवान को सब कुछ पता था। लेकिन अर्जुन हमारे जैसे मूर्ख व्यक्तियों का रोल कर रहा है। कार्पण्य दोषो पस्ता स्वभाव परछामी तमाम धर्म समूर्सेता, इस समस्या से निकलने मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। भगवान बोलो, मेरे पास रास्ता है ना, मैं बोल रहा हूं तो सुन तो सही। तो हमारी स्थिति है, हम अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, ऐसा होगा तो वायरस से बच जाएंगे, ठीक है वायरस से बच जाएंगे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन मृत्यु से बचने का क्या रास्ता है? उसमें तो आपकी बुद्धि नहीं चलेगी, उसमें तो सरकार की बुद्धि कहाँ चल रही है? सरकार तो बोल रही नहीं, हम धर्म के अंदर क्या बोलते हैं उसको, धर्म निरपेक्ष, मृत्यु नहीं बचा पाएगी। देख रहे हैं, कल कोई बोला था वो इटाली के जो प्रेसिडेंट है, सरेंडर कर दिया,
भगवान ही बचा सकते हैं, बोलना पड़ा। उसको पता नहीं है कौन भगवान है, लेकिन कम से कम यहां तक तो स्वीकार किया है, कम से कम भगवान ही बचा दे। अब तक क्या था हमारे पास, क्योंकि विश्व के अंदर इटाली है जो मेडिसिन में सबसे आगे है, उसके बाद अच्छी मेडिसिन है, लेकिन सरेंडर कर दिया। तो ऐसे सबको भगवान सरेंडर कराएंगे भाई फोर्स। अच्छा है सीधी तरीके सरेंडर हो जाओ पहले से, हाँ, करना ही पड़ेगा, क्योंकि जीव का स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीव का स्वरूप है भगवान के सरेंडर करना। अगर हम सीधी तरीके नहीं करेंगे तो भगवान उल्टा कान पकड़ेंगे। क्या है इनकाउंटर होगा, प्रकृति प्रकृति अपना काम करेगी। तो प्रभुपाद जी का कहना यह है इस तात्पर्य में, हाँ हम शटडाउन की बात कर रहे हैं, मृत्यु से नहीं बचा सकते हैं कोई नेता, कोई विद्वान, कोई परिवार। असत सैन्यसु, श्रीमद् भागवत में कहा है हमारा जो परिवार है वो हमारी सेना है रक्षा करने की, हम सोच रहे हमारा रक्षा कर, वो असत सैन्य है। श्रीमद् भागवत में कहा है कैसा सैन्य है, असत, सत नहीं है, नाशवान सेना है। वो सेना तो पहले ही हाथ खड़ा कर देती है। एक भक्त मिला प्रभु, थोड़ा पास में आ जाऊं डिस्कस करने के लिए, बोला नहीं नहीं दूर रहूंगा प्रभु। बोला क्यों प्रभु, वायरस पकड़ेगा तो बोला घर में तो परिवार के साथ तो बैठ नहीं, परिवार को बोल दिया, वाइफ को बोल दिया उस रूम में चली जा, बच्चे को बोल दिया उस रूम में चली जा, मेरे पास मत आना। ले असत सैन्यसु, पहले ही प्रोटेक्शन निकाल दिया उन्होंने, बोला आप दूर चले जाइए। हाँ भक्त लोग भी मृत्यु से घबरा रहे हैं, सत्य घटना बोला हूं मैंने, डिस्कस किया है परसों एक व्यक्ति से ऐसे, बोला वाइफ को बोल दिया पास में मत आना। हाँ पास में मत आना, बच्चों को बोल दिया पास में मत आना। तो कहने का मतलब है कि ये मृत्यु आती है ना, अच्छे अच्छों के लोगों के स्क्रू ढीले हो जाते हैं, जब तक मृत्यु नहीं है तब तक वो कहां भगवान है, कहां किसने देखा भगवान है, किसने देखा है भगवान। भगवान बोले मृत्यु सर्वहर चाहम, मैं मृत्यु के रूप में आता हूं, वो भी मेरा एक रूप है, तब तुम्हें मुझे याद करोगे, हाँ मैं ऐसा हूं, कालो अस्मियम, मैं काल हूं, काल के रूप में आते हैं भगवान। भक्त लोग मृत्यु से नहीं डरते, काल से नहीं डरते, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारे, भक्त का ये एटीट्यूड होना चाहिए, भगवान को बोलना चाहिए अगर चाहते हैं कि मैं प्रचार करने के लिए जिंदा रहूं तो रखो, नहीं चाहते तो हरे कृष्ण अगले जन्म में प्रीचिंग करेंगे ना, क्या प्रॉब्लम है, समस्या क्या है, नहीं डरना चाहिए। लेकिन पूरा समाज डरा हुआ है और वो अपनी बुद्धि से समस्या का समाधान कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी हमारी दुर्लभ क्या है, दुर्बुद्धि है कि हम अपनी बुद्धि से समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। जब तक अर्जुन ने अपनी बुद्धि लगाई तब तक वो फंसता गया। जब उन्होंने कृष्ण की बुद्धि का उपयोग किया, कृष्ण की बुद्धि का मतलब भगवद गीता, नष्ट मोह स्मृति लब्धा तव प्रसाद आत्मया च्युत गत संदेह स्थित अस्मि करिचते वचनम तव, मेरा मोह नष्ट हो गया, अब मैं अपने ज्ञान में स्थित हो गया, जब कृष्ण की बुद्धि का उपयोग किया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सोच रहे हैं कि ऐसा तरीका अपनाने से बच सकते हैं। वो प्रभुपाद जी या भक्ति सिद्धांत महाराज उदाहरण देते हैं, वो मूर्तिकार का, एक बहुत बड़ा मूर्तिकार था, एक्सपर्ट, बहुत होशियार मूर्तिकार था। तो उसने सोचा कि यार मृत्यु तो आएगी, बचने का रास्ता ढूंढ लेता हूं। तो उसने क्या किया, डिट्टो अपने जैसी मूर्तियां बना के सीधा खड़े हो गया ऐसे। यमदूत आए बेचारे कंफ्यूज हो गए कि इसमें से सेम मॉडल वाला है ना, डबल रोल ट्रिपल रोल, क्या बोले हजार रोल एक जैसे मूर्तियां खड़ी कर दी। अभी से यमदूत तो यमदूत है, थोड़े तमगुणी होते हैं वो, तो उनको लिस्ट दिया जाता है पकड़ के ले आओ, तो ले आते हैं वो। आजकल यमदूत बहुत बढ़ा दिए होंगे यमराज ने, बहुत ज़्यादा ड्यूटी लगाई है लोगों को, बहुत सारे लोगों को लाना है ना, बहुत सेवकों को लगाया, यमराज का काम बढ़ गया, बहुत काम बढ़ गया है। खाली थे ना विदुर जी के रूप में आए यहाँ पर, तो बाद में थोड़ा भजन वजन किया, अच्छा अब वापस गए तो स्वागत कर रहे हैं सबको ऐसे। तो मूर्तिकार के रूप में खड़ा हो गया, तो कंफ्यूज हो गया यमदूत, जाके बताया कि प्रभु ऐसा है, आपने जो लिस्ट दिया फलाना भाई उसका फोटो दिया ऐसा है, लेकिन बहुत सारे फोटो वाले लोग ऐसे हैं, उसमें से ये कौन सा है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो यमराज स्वयं आए, बड़े बुद्धिमान थे यमराज, तो महाजन है ना, अरे ये कौन मूर्ख है, इतनी गंदी मूर्तियां बनाई है, मूर्तियां गंदी है, पकड़ ली चल गंदी मूर्तियां। बस इतना बोला ना, क्योंकि जब हम कोई चीज बनाते हैं
और हमारी चीज को ऐसे कहते हैं ये इतनी बुरी बनाई है, तुरंत गुस्सा आ जाता है, कंट्रोल नहीं हो पाएगा। इतनी अच्छी मूर्तियां बनाई मेहनत करके और तुम गलत बोल रहे हो भैया, मेहनत बोले चल भाई तेरा काम पूरा हो गया। एक और उदाहरण है, ऐसा कहा जाता है कि एक व्यक्ति था, उसने सोचा कि मैं शरीर पर मल लगा के बैठ जाऊंगा, तो यमदूत सोच गया दुर्गंध मार रहा है छोड़ दो इसको, तो पूरा लेप करके बैठ गया मल के ऊपर, और यमदूत के छी 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 यार ये तो बहुत गंदा है। तो यमदूत भी वैसे तो यमराज के सेवक है, तो है तो बुद्धिमान है, ऐसे इतने तो लल्लू नहीं है, तो गए सुअर को पकड़ के ले आए, बोला इसको साफ कर दो। साफ किया और पकड़ा, पूछा चल भाई, मतलब मृत्यु ऐसी चीज है जिस बच नहीं सकते हैं, भगवान जिसको बचाना चाहते हैं कहीं से बचा लेंगे, भगवान जिसको मारना चाहते हैं कहीं से भी मार सकते हैं। कोई बोलता है कि मैं ऐसा प्रयास करूंगा मुझे वायरस पकड़ में ना आए, और उसका मृत्यु लिखा वायरस से, कैसे भी मरेगा। गोविंद प्रभु का उदाहरण, उनके भाई का, स्वयं गोविंद प्रभु का उदाहरण और उनके भाई का उदाहरण ऐसा है कि वो क्लास वन ऑफिसर थे, बॉम्बे में रहते थे, जिंदगी में ट्रेन में पैर नहीं रखा, जिंदगी में पैर नहीं रखा, पैर ट्रेन में, कंपनी की कार उनको ले जाती आती जाती थी। अभी बॉम्बे में ब्लास्ट हुआ ना लोकल ट्रेन में, वो फर्स्ट क्लास में, बोला आज मैं ट्रेन में जाऊंगा, और बैठे फर्स्ट क्लास के डिब्बे में, और फर्स्ट क्लास के डिब्बे में ब्लास्ट हुआ, चलेगी जिंदगी में ट्रेन में नहीं देखा, वो पैर नहीं रखा, पहली बार फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठे, क्लास वन ऑफिसर ने। क्यों? मृत्यु खींच के ले जाती है व्यक्ति को, और परमात्मा ऐसा अरेंजमेंट करता है कि जो लोग मरना चाहते हैं तो उससे पहले परमात्मा उसको वायरस से इफेक्टेड कर देंगे, उसके बाद लॉकडाउन करेंगे। जैसे हम देख सकते हैं कि भाई एक डॉक्टर ने वार्निंग दिया था चाइना को, लेकिन उससे पहले तो वो फैल गया, और वो वार्निंग को नेग्लेक्ट किया। क्यों? परमात्मा हृदय में बैठे हैं, और परमात्मा इतने लोगों को इफेक्टेड करना चाहते थे तो बहुत ध्यान नहीं दिया, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने बहुत ध्यान नहीं दिया, भारतीय व्यक्ति ने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, अब तो फैल गया वो, अब तो भारत में फैल गया है वो अपने अंदर सर्किल में फैलेगा। तो परमात्मा क्या करे, हमको बुला देते, कई बार हमको कोई बोलता है हम बहुत ध्यान नहीं देते, क्यों? परमात्मा बुला देते, क्यों? क्योंकि उनके माध्यम से इतने लोगों को मारना है परमात्मा को। हम कई बार रोग से पीड़ित होते हैं, जानते हैं, जाएंगे डॉक्टर के पास, जाएंगे जाएंगे बढ़ जाता है, क्योंकि परमात्मा हमको सफर करवाना चाहते हैं कि आप सफर करना चाहते हैं। बंसी गोपाल का एग्जाम्पल है, बंसी गोपाल को उधरस आ रही थी, किसने बोला अभी चेक करा लो, बोला नहीं नहीं ऐसे ही, नहीं नहीं ऐसे ही, खींचा 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 खींचा, यहाँ पर बहुत बड़ा एक गांठ हो गया। तो भक्तों ने बोला दिखा दो, नहीं नहीं बोला ऐसे कुछ जीवड़ा काट लिया होगा। एक अरविंद भी करके हमारे भक्त हैं, उन्होंने बोला बंसी गोपाल सीरियस है इसको बता लो, गए तो टीबी निकला, ट्यूमर हो गया टीबी के कारण लास्ट स्टेज पर। तो परमात्मा उसको सफरिंग कराना चाहते थे, इसलिए परमात्मा ने नेग्लेक्ट किया, वो बुद्धि दिया ठीक है रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो, और वो डॉक्टर ने बोला महाराज वो अरविंद भी को आप 7 दिन बाद में लाए होते तो ये के साथ में रहने के लिए काम नहीं होता, सब फेफड़ों में छेद हो गए। परमात्मा सफर कराना चाहते हैं, तो परमात्मा जिसको मारना चाहते हैं उसको कहीं से भी वायरस भेजेंगे, कहीं से भी मृत्यु की अरेंज करेंगे, बचा नहीं सकते। और परमात्मा जिसको बचाना चाहते हैं भौतिक शरीर को, उसको कोई मार नहीं सकता। महाभारत के अंदर कथा आती है, एक ऋषि के 5 लड़के थे, पुत्र थे, उन्होंने पिता के आज्ञा का उल्लंघन किया और उनको उनके पिता ने श्राप दिया कि आप चिड़िए बन जाओ, चिड़िए चिड़िए, वो चिड़िए बन गए। महाभारत का युद्ध चल रहा था, एक पेड़ के ऊपर उनके अंडे थे उस चिड़ियों के, तो बाण से वो अंडे, वो चिड़िया का घोंसला था, वो बाण के साथ गया और गया। उसी समय अर्जुन का और किसका युद्ध हो रहा था, तो अर्जुन ने हाथी का जो घंट होता है ना, हम घंटी बजाते ना, वो घंट टूटा और सीधा अंडों के ऊपर गिर गया, फट। महाभारत का युद्ध पूरा हो गया, अंडे उसके नीचे थे, महाभारत का युद्ध पूरा हो गया, अंडे उसके नीचे थे। महाभारत का युद्ध पूरे होने के बाद जब पिता भीष्म प्रवचन दे रहे थे, बहुत सारे ऋषि वहां सुनने जा रहे थे,
उस समय एक ऋषि वहां से जा रहा था, उसने कुछ चिड़ियों की आवाज सुनी घंट के नीचे, देखा कि वो अंडे पक गए, उसमें से वो बच्चे निकल गए, बड़े हो गए और उन्होंने वो घंट निकाला। आप सोचिए महाभारत में इतने लोग मर गए, लेकिन अंडे बचा लिए भगवान ने। तो भगवान के लिए किसी को रक्षा करना कोई बड़ी बात नहीं है, और भगवान के लिए मारना वो भी कोई बड़ा बात नहीं है। भगवान ने एक मच्छर छोड़ दिया ऑटो पायलट के अंदर, बस भगवान को देखने की जरूरत नहीं है, वो प्रकृति करेगी। भगवान की इच्छा शक्ति है, अपने आप मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, उसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, एक से दूसरा वायरस बन रहा है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और लोग टपोटप टपोटप विकेट जा रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं भगवान को, ऐसे नहीं भगवान को एंग्जाइटी है ऐसे। तो यहां पर जो बताया प्रभुपाद जी ने कि विश्व में शांति इसलिए नहीं है कि ये जो बड़े बड़े शासक लोग हैं ये नास्तिक है, नास्तिक है, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, शास्त्रों के विरुद्ध जा रहे हैं, इसका फल भुगत रहे हैं। और हम इस जगत में है इसलिए हम अच्छे होते हुए भी इफेक्टेड हो रहे हैं। कोई कह सकता भाई भारत तो ऐसा नहीं है, कौन बोला ऐसा नहीं है? भारत भारतीय पाप कम नहीं करता है, ऐसा मत सोचना भारत में कोई देव पुरुष है या स्वर्ग लोक से सब टपके हुए हैं, ऐसा नहीं है। भौतिक जगत में पापी, हाँ कुछ हद तक भारत में पुण्यशाली है लोग, ऐसा नहीं है, निसंदेह दूसरे देशों की तुलना में भारत में पुण्यशाली, लेकिन अब भारत भी पिकअप पकड़ रहा है, पाप करने में स्पर्धा कर रहा है दूसरे देशों से भी, हम भी कम नहीं है, पर स्त्री संघ करने में हम कम नहीं है, मांसाहार करने भी हम कम नहीं है, एबोर्शन करने में हम कम नहीं है, हत्या करने भी हम कम नहीं है, सब में भारत स्पर्धा कर रहा है दूसरे देशों से। और हम भगवान की आज्ञा और प्रकृति के निर्देश का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए हमको सफर करना पड़ रहा है, हमको हम इफेक्टेड होंगे। जगत में हलमल मचेगी तो हम प्रभावित होंगे स्वाभाविक रूप से, क्योंकि हम इस जगत में रहते हैं, दूसरे जीवों के साथ साथ हमको भी दुख भुगतना पड़ेगा। ठीक है, पूर्ण रूप से हमारा कर्म नहीं है या फिर वो नहीं है तो कुछ प्रभावित तो हम होंगे, क्योंकि हम इस जगत के अंदर है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्रभुपाद जी बहुत ऐसा समझा रहे हैं कि ये जो लोग हैं बड़े बड़े लोग, अब मैं पॉइंट टू पॉइंट इस तात्पर्य को समझाऊंगा। ऐसे समस्त शक्तिशाली राजा, नेता, विद्वान, वैज्ञानिक, कलाकार, अभियंता, अन्वेषक, पुरातविद, उद्योगपति, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, श्रेष्ठ व्यापारी, अनेक शक्तिशाली देव, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, सूर्य, वरुण वगैरह भगवान ज्ञान से शक्तिशाली, ममे वासो जीव लोके जीव भूत सनातन मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करती थी, सभी परमेश्वर के विभिन्न शक्तिशाली अंश हैं। परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के पिता है, भगवान उसके पिता है, जो अपनी अपनी इच्छाओं के आकांक्षा उनका नाना प्रकार के पदों पर आसीन है। ये जीव है, ये पदों पर आसीन है, वो अपनी इच्छा और भगवान की शक्ति के आसीन है। चैतन्य चैतन्यमृत में वर्णन आता है कि सनातन गोस्वामी ने जब छुट्टियां लेकर ब्राह्मणों के साथ भागवत पढ़ना आरंभ किया, यह बहाना बताकर कि मैं बीमार हूं, तो नवाब हुसैन ने पहले तो डॉक्टर को भेजा, तपास करके आओ ये सनातन गोस्वामी ये लोग वास्तव में बीमार है। बोला बीमार नहीं है, मजे से भागवत पढ़ रहे हैं। नवाब हुसैन स्वयं आया तो सब खड़े हो गए, रिस्पेक्ट दिया। प्रभुपाद लिख रहे हैं हालांकि वो गाय को हत्या करने वाला था लेकिन फिर भी राजा था, राजा भगवान का प्रतिनिधि माना जाता, नास्तिक था लेकिन भगवान का प्रतिनिधि माना जाता, इसलिए उन्होंने रिस्पेक्ट दिया। तो निसंदेह ये जब बड़े बड़े लोग हैं ठीक है उनको रिस्पेक्ट दे सकते हैं, लेकिन है तो बदमाश, अगर भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं तो सब बदमाश। प्रभुपाद जी ने उसको जी भरकर गाली दिया है, कोई शब्द उनके लिए बाकी नहीं छोड़ा प्रभुपाद जी ने, ये सराहनीय नहीं है। अगर भगवान की शरण नहीं लेते हैं तो ये सराहनीय नहीं है, सराहनीय नहीं है। परमेश्वर श्री कृष्ण उन समस्त जीवों के पिता है जो अपनी अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं के अनुसार नाना प्रकार से उच्च तथा निम्न पदों पर आसीन है। इस बजे में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग पद पर आसीन है, तो एक तो उनकी इच्छा और उनके कर्म के अनुसार भगवान ने उनको वो पोस्ट दिया है, लेकिन बैठे तो ये भगवान की पोस्ट, भगवान की शक्ति से ही उनके ऊपर है। उनमें से कुछ जिनका उल्लेख विशेष रूप से ऊपर किया गया, श्री भगवान की इच्छा अनुसार विशेष शक्ति से संपन्न है। उनके पास जो भी शक्तियां है वो अल्टीमेट तो भगवान की शक्ति अंत। बुद्धिमान मनुष्य को ये निश्चित रूप से समझ लेना होगा कि जीव चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, न तो वो पूर्ण होता है और न स्वतंत्र।
ये स्वीकार कर लेना चाहिए। जो भी बड़े बड़े पदों पर आसीन उनको स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम पूर्ण नहीं है, भगवान से स्वतंत्र नहीं है, एकमात्र भगवान ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। ये स्वतंत्र पूर्वज बोले बुद्धिमान, इसको वास्तविक बुद्धिमान कहते हैं। हम भौतिक दृष्टिकोण से किसी को बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन ये वास्तविक बुद्धिमान है। सारे प्राणियों को इस श्लोक में लिखे अनुसार अपनी विशिष्ट शक्ति का मूल उद्गम स्वीकार करना चाहिए। ये हमारा सबसे बड़ा दोष है। समाज इसलिए सफर कर रहा है आज, समाज इसलिए भयभीत है कि वो अपनी जो मूल शक्ति का उद्गम है, अपना पिता है, उसको स्वीकार ही नहीं कर रहा है। यही हमारी समस्याओं का जड़ है। जैसे ही जीव भगवान का आश्रय ग्रहण कर लेता है, तुरंत वो अपनी नेचुरल स्थिति में आ जाता है। एक बार मैं बस स्टैंड पर बैठा था, नहीं उस बस से उतरा मैं, बस में भीड़ थी। मैं सारे जा रहा था, अमरेली से भुज जा रहा था, बहुत भीड़ थी। तो एक मेरे पीछे एक स्त्री थी, उसके हाथ में एक बच्चा था। तो उसने सोचा कि मैं बच्चे को लेकर निकलूंगा, बच्चे को थोड़ा ऐसा दबाएगा। उसने बारी से बच्चे को बाहर दिया, बीच दूसरे आदमी को। तो जैसे ही माँ ने दिया बच्चा, तो वो जाना नहीं चाहता, मैं नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँ, रोने लगा। और माँ जब तक नहीं आई, मैं देख रहा था बच्चा रो रहा है। जैसे माँ ने बाहर आकर लिया, वापस हंसना शुरू कर दिया, अपनी नेचुरल पोजिशन में आ गया। हमारी यही स्थिति है, जब तक हमारे परम पिता भगवान श्री कृष्ण का आश्रय नहीं लेंगे, तब तक हम रोते ही रहेंगे। करोड़ों जन्म तक रोए हैं ऑलरेडी, 84 लाख योनि में घूम के आए हैं। हमने एक वायरस नहीं देखा है, भूल गए, बहुत वायरस देखा है, इससे भी डेंजर वायरस देख के आए हम लोग, भूल गए। वायरस बन के भी आए और दूसरों को प्रभावित किया और उनको रुलाया भी है। 84 लाख योनि में घूम के आए, भूल गए पिछले जन्म का। तो प्रभुपाद यहां पर लिख रहे हैं कि वे अपने अपने उद्गम को स्वीकार करना चाहिए, हमारी शक्ति के स्रोत को। यदि वे इसके अनुसार कर्म करते हैं, भगवान की सत्ता को स्वीकार करके कर्म करते हैं, तो वे अपने अपने वृत्ति पर कर्मों को करने मात्र से जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। वर्णाश्रम आचरवता पुरुषेण प्रमाण न अन्य तो सत्कारण, मतलब वो वर्णाश्रम वाला श्लोक, अपने अपने वृत्ति पर कार्य है वर्णाश्रम धर्म के अनुसार वो कर सकते हैं और उससे सिद्धि प्राप्त होगी। यह सिद्धि क्या है? प्रभुपाद बोले सिद्धि का मतलब क्या है? कोरोना चला गया, सिद्धि मिल गई, हा हा हा, हरि बोल गौर प्रेमानंद। यह सिद्धि नहीं है, बहुत ज्यादा प्रसन्न होने का नहीं है। कोरोना चला जाएगा तो दूसरा आएगा, क्योंकि भौतिक जगत का डेफिनेशन क्या है? दुखालयम और शाश्वतम, ये इसकी परिभाषा है, आता ही रहेगा। इतिहास देखो ना, कितने प्रकार के अलग अलग रोग आए हैं, कितने प्रकार की समाज की समस्या आई है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, आ रही है। प्रभुपाद जी का एक कन्वर्जेशन मैं सुन रहा था। प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि जब हमको दुखों से राहत मिलता है, दुखों से राहत, हम उसको क्या मानते हैं? सुख मानते हैं, वही सुख है। प्रभुपाद जी बहुत एक्शंस के साथ बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी बोले पहले जमाने में राजा लोग किसी को दंड देना होता है तो पानी में डुबाते, वो दम घुटने की बारी आते, खोलते हैं। प्रभुपाद जी कहते ऐसे, प्रभुपाद जी श्वास निकालते, दिस इज हैप्पीनेस, प्रभुपाद जी कहते ये सुख है, परम सुख है। तो जब कोरोना चला जाएगा, लोग कहें सुख आ गया, फिर भगवान भेजेंगे, फिर भगवान क्या करें, थोड़ा कोरोना उसको भगा देंगे, सुख आ गया, इंद्रिय भोग, होटल में जाओ, शिमला जाओ, कुल्लू मनाली जाओ, चलो घूमो, आनंद लो, जीना या मरना या, और जाना कहा, लेट्स गो, फिर भगवान भेजेंगे, फिर वापस घर में घुसा देंगे। अब मैं बिल्ली, फिर से चूहा बन जाओ। जब हम मनुष्य होकर भगवान की सत्ता को सुनीति देते हैं, तो भगवान कहते बेटा अपनी पोजिशन में रहो। किस में रहो? अपनी पोजीशन में। वो ऋषि के पास गया, चूहा परेशान करती है बिल्ली, क्या करूं? बिल्ली बनाओ। बिल्ली बन गई, वो कुत्ता परेशान करता था, क्या करूं? अरे कुत्ता बनाओ। कुत्ता बन गया, क्या समस्या? बोला सिंह परेशान करता है, तो सिंह बना दिया। अब आया, अब मैं तेरे को ही खाऊंगा। भगवान ने हमको बुद्धि दिया और हमको इतनी अच्छी बुद्धि मिल गई, तो हम भगवान की सत्ता को चैलेंज करते हैं।
क्या भगवान है, कौन भगवान है, किसने देखा कृष्ण को भगवान है? अच्छा बेटा तू मेरी चत्ता को सुनती दे रहा है, वापस घर में चला जा, वापस सुआ बना दिया उसको, जा बिल में, तुम इसी के लायक हो, ये सब बिल में रहने के लायक है। उनको सत्ता को स्वीकार करना चाहिए, भगवान की स्थिति को स्वीकार करना चाहिए, प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं। और हम जब बुद्धिमान बन जाते हैं तो हम भगवान की सत्ता को सुनौती देते हैं, तो फिर भगवान बोले अपनी औकात में रहो भाई, अपनी औकात क्या है वो समझ के रखो, जीवरे स्वरूप हरे कृष्ण नित्य दास, वो समझना चाहिए, हम अपनी औकात भूल जाते हैं। प्रभुपाद जी बोले सिद्धि क्या है, सिद्धि ये नहीं है कि कोरोना चला है, सिद्धि ये है शाश्वत जीवन प्राप्त करना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की जो परे की स्थिति है उसको स्वीकार करना, पूर्ण ज्ञान और अक्षय आशीष, आशीष सिंह भगवान का अक्षय वरदान दिव्य आनंद। फिर प्रभुपाद ने कि जब तक विश्व के शक्तिशाली व्यक्ति अपनी अपनी शक्तियों के उद्गम को अर्थात श्री भगवान को स्वीकार नहीं करते तब तक माया के सारे कार्यकलाप चलते रहेंगे। उसमें ये आता है माया के कार्यकलाप क्या है, पानी में डुबोना बाहर निकालना, पानी में डुबोना बाहर निकालना, ये चलता ही रहेगा, इसका कोई एंड नहीं है, माया अपनी काम करेगी। माया के कार्य ऐसे होते हैं कि शक्तिशाली व्यक्ति भ्रामक शक्तियों के द्वारा दिग्भ्रमित होकर अपने आप को विश्व में सर्वे सर्वा मान बैठता है, मैं विश्व की परम सत्ता हूं, मुझे कोई नहीं हिला सकता, कोई नहीं हिला सकता, नहीं नहीं कोई नहीं हिला सकता। शिव जी भी गए थे भगवान के पास, प्रभु मोहिनी अवतार का दर्शन रह गया था मैं, कौन बोला नहीं महादेव मत इंटरेस्ट लो इसमें, असुरों को मोहित करने के लिए अंदर से शिव जी बोला कुछ नहीं होगा आप ऐसे चिंता मत कीजिए मेरे, भगवान बोला है मेरी माया को चैलेंज किया, ठीक है। तो भगवान की माया को कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए, शरणागति लेनी चाहिए। महाभारत के अंदर वर्णन आता है एक बार अश्वत्थामा ने वैष्णव अस्त्र छोड़ा, विष्णु का अस्त्र जो ब्रह्मास्त्र से ऊपर है, ब्रह्मास्त्र का मुकाबला ब्रह्मास्त्र कर सकते हैं, वैष्णव अस्त्र का कोई मुकाबला नहीं है, उसके ऊपर कोई विष्णु के अस्त्र से ऊपर कोई अस्त्र नहीं है। तो क्या समाधान, खाली भगवान कृष्ण ही जानते थे उसका समाधान है, वैष्णव अस्त्र के सामने सरेंडर कर दो, वो नहीं मारेगा, भगवान ने उसके सब लोग डंडो लगाओ सब सरेंडर कर दिया। भीम बोला मैं नीचे नहीं उतरूंगा, भगवान ने पकड़ा मूर मर जाएगा, नीचे तक पकड़ के नीचे सुलाया भगवान ने उसको जबरदस्ती है हाँ वर्णन है। और जब वैष्णव अस्त्र फैल गया अश्वत्थामा विचलित हो गया, ऐसे कैसे हो सकता विष्णु का अस्त्र फैल, ये वासुदेव कृष्ण है भाई, ये वासुदेव कृष्ण विष्णु है। व्यासदेव ने अश्वत्थामा को भगवान कृष्ण की महिमा का गान किया महाभारत के युद्ध में, अश्वत्थामा को समझाया इस समय विष्णु है कृष्ण है उसमें कोई अंतर नहीं है, इसलिए उनको शांत हो गया उनके सामने। तो कहने का मतलब है कि हम भगवान की चत्ता को सुनौती नहीं दे सकते हैं, उनको शरणागति लेकर उनको स्वीकार कर सकते हैं। तो सर्वेसर्व मानते हैं, जब हम सर्वेसर्व मानते हैं तब भगवान हमारा पतन करा देते हैं। तो बड़ी बड़ी इतिहास में बड़ी बड़ी सत्ताओं का पतन हो गया, हिटलर इत्यादि का कितनी बड़ी सत्ता थी, हिटलर इत्यादि लोगों की पतन हो गया, चले गए, खाली इतिहास में नाम रह गया है और कोई नहीं रह गया है, घमंड था सर्वेसर्वा। वो हिटलर कौन सी कंट्री में था, नाम भूल गया, जर्मनी, जर्मनी ही हिटलर है, हिटलर ही जर्मनी है, ये स्लोगन था, हिटलर ही जर्मनी है, जर्मनी हिटलर है, चला गया, सब कुछ अपने को सर्वसर्व मान रहा था। फिर प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं इस चेतना का विकास नहीं कर पाता है, इस मीन्स भगवान की चेतना कृष्णा भावनामृत की चेतना का विकास नहीं कर रहा था, फलस्वरूप संसार में मिथ्या अहंकार का भाव पैदा होता है, मैं और मेरा, और जब मैं और मेरा का प्राधान्य होता है तो मानव समाज में अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष होता है, एक देश से दूसरा देश लड़ता है अपने संघर्ष को, जब मैं और मेरा की भावना उत्पन्न होती है कि मैं सर्वचरा हूं, सर्वशक्तिशाली देश हूं, तुम कम शक्तिशाली, नहीं मैं सर्वशक्तिशाली हूं, फिर एक दूसरे ऊपर प्रहार होता है अलग अलग रीति से अलग अलग स्थिति से। अतएव अब प्रभुपाद जी बहुत अच्छा लिख रहे हैं, अतएव बुद्धिमान वर्ग के लोगों को चाहिए, प्रभुपाद जी यहां पर बुद्धिमान लोग मतलब जो अपने बड़े बड़े पद पर आसीन है उनको संबोधन कर रहे हैं, क्योंकि उनके एक इशारे पर प्रजा जो वो बोलेंगे करने के लिए तैयार हो जाएगी,
जैसे हमारे पीएम ने बोला थाली बजाओ, तैयार हो गए। और अगर उनको बोला होता कि आप हरे कृष्ण करो तो निश्चित रूप से करते, कोई संदेह नहीं है। क्योंकि मृत्यु को सामने आया देखकर हर व्यक्ति झुक जाता है और यह माहौल बहुत अच्छा है। इस वातावरण में उनको बोलना चाहिए था कि अभी भगवान का आश्रय लो, भगवान के नाम का जप करो तो आप बच सकते हैं। नहीं संदेह, अल्टीमेट तो भगवान ही बचाएंगे। डॉक्टर है, प्रेसिडेंट है, जब कंट्रोल नहीं होगा तो सब बोलेंगे अभी अब भगवान के पास जाओ। तो पहले गए होते तो बच जाते हैं ना काफी लोग, बाद में जाते हैं। जब हमारे हाथ से कंट्रोल छूट जाता है फिर हम, डॉक्टर भी क्या करता है, जब तक वो बचने का चांस रहता है तब तो इंजेक्शन दे 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 कर करता है। जब देता है कि अब स्थिति कंट्रोल नहीं है तो संबंधियों को बोलते हैं भाई साहब भगवान के हाथ में केस है, बाद में बोलता है। तो हमको पहले से ही स्वीकार करना चाहिए केस तो पहले से ही भगवान के हाथ में, ऐसा नहीं है कि बाद में हम भगवान का आश्रय लें, पहले से। अतः बुद्धिमान वर्ग के लोगों को चाहिए कि श्री भगवान की समस्त शक्तियों के परम स्रोत के रूप में स्वीकार करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी उनका सम्मान करें। कैसे कर सकते सम्मान, मन मना मन भक्तो मध्याजी मामले उसको उनको प्रणाम करना चाहिए, वो सम्मान है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप भी बोलिए भाई, बोलिए तो ही उद्धार होगा, और कोई उद्धार नहीं होगा आपका भी। आप ऐसे देखें हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बोलिए तब उद्धार होगा। अंगूठा बताने से कुछ नहीं होगा, माया अंगूठा बताने से नहीं चाहेगी और ना ही थालियां बजाने से जाएगी। अतः बुद्धिमान वर्ग के लोगों को चाहिए कि भगवान को समस्त शक्तियों के परम स्रोत के रूप में स्वीकार करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, उनको सम्मान प्रदर्शित करें, श्री भगवान को प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी के रूप में स्वीकार करें। वास्तव में भगवान तो परम स्वामी है, पूर्वज वो बोले ऐसे है ही, वो है और स्वीकार करना है, नहीं है और स्वीकार करना, ऐसी बात नहीं बता रहे प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी बोले भगवान तो है ही सभी के स्वामी, हमको स्वीकार करना है खाली, और स्वीकार करने मात्र से क्या होगा प्रभुपाद जी बताते हैं। समाज की दृष्टि में मनुष्य चाहे जो भी स्थान हो किंतु यदि वह भगवान से प्रेम का आदान प्रदान करने का प्रयत्न करता है तो भगवान से आशीर्वाद से तुष्ट रहता है, सॉरी भगवान के आशीर्वादों से वो तुष्ट रहता है। जब हम भगवान से प्रेम का आदान प्रदान, प्रेम का आदान प्रदान दो तरीकों से होता है, मैं आपके लिए कुछ करूं आप मेरे लिए कुछ करो, तो भगवान तो सदियों से हमारे लिए बहुत कुछ करते आ रहे हैं, सदियों से क्या करते आ रहे भगवान हमारे लिए, सूर्य प्रकाश फ्री है, हवा फ्री है, पानी फ्री है, इतना मनुष्य जन्म फ्री है, परिवार है, संतान है, धन है, सौंदर्य सब कुछ दिया है और करोड़ों जन्मों से देते आ रहे भगवान। अब प्रेम का आदान प्रदान करना है तो हमको भगवान के लिए कुछ करना पड़ेगा। हम देखते हैं ये बदमाश लोग रेलवे स्टेशन पर अगर कोई बैग उठाता है तो बोलते थैंक यू, बदमाश लोग भी ऐसा बोलता है। लेकिन भगवान इतना सारा चीज देता है, कभी भगवान को आके थैंक यू बोला है मंदिर में, इसलिए वो बदमाश है। इतना सारा चीज दे रहे हैं, भगवान का आभार व्यक्त करें, प्रभु कल हमने आपको हवा फ्री दिया, आपने ये फ्री दिया, मैं आपका बहुत ऋणी और मुझे आपको जीवन समर्पित करना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र के जप के माध्यम से। तो श्री भगवान, अगर हम भगवान से प्रेम का आदान प्रदान करेंगे तो भगवान के आशीर्वाद से तुष्ट रहेंगे तो उसे सर्वाधिक मानसिक शांति का अनुभव होगा। अगर वो संतुष्ट रहेगा तो स्वाभाविक रूप से मानसिक शांति का अनुभव होगा। अब प्रभुपाद बोले जिसके लिए वह जन्म जन्मांतर से लालायित रहता है मानसिक शांति, आज सबको मानसिक शांति चाहिए, प्रभु शांति 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 सब ढूंढ रहे हैं आज समाज में, अशांति है, सब लोग डरे हुए हैं और ये मीडिया वाले तो और ज्यादा डरा रहे, इतने मर गए, इधर आ गया, भरूच में आ गया, हाँ भरूच में आ गया, अब तो मेरे घर में आएगा, मेरी सोसाइटी में आएगा और सोसाइटी के बाद मेरे फड़िए में आएगा, फड़िए के बाद मेरे घर में आएगा, सब डरे हुए हैं, अशांति है। कृष्णदास सदा बिंदास, मायादास सदा उदास, माया का दास सदा ही उदास रहेंगे और कृष्णदास सदा ही बिंदास रहेंगे, नहीं डरेंगे, भगवान के आश्रम में रहते तो डरने की क्या जरूरत है। प्रभुपाद जी बोले कि हम उस शांति के लिए जन्म जन्मांतर लालायित रहते हैं और ये शांति कोई जगह नहीं मिलेगी। प्रभुपाद जी भागवतम के तीसरे पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के अंतिम श्लोक के पैराग्राफ में लिखते हैं कि जीव जिस
सुख की खोज इस जगत में कर रहा है वो इस अनंत कोटि ब्रह्मांडों के कोई भी कोने में नहीं मिलेगा, कोई भी कॉर्नर में नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं काश्मीर में मिलेगा, स्वर्ग में मिलेगा, पाताल में मिलेगा, रसद, कोई भी कॉर्नर में नहीं मिलेगा। ये हमको पहले क्लियर होना चाहिए, हम जिस सुख की खोज कर रहे हैं वो इस ब्रह्मांड के नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के कॉर्नर में नहीं मिलेगा। और अनंत जन्मों से हम शांति ढूंढ रहे हैं, और वो शांति तभी मिलेगी जब भगवान से क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। मृत्यु आती है तो आदमी थोड़े तो धार्मिक होते हैं। कल एक व्यक्ति आया, प्रभु माला चाहिए, कीर्ति बी के वहां जॉब करता है। बोला क्यों? बोला कीर्ति बीन बोला 7 दिन 8 दिन घर में क्या करेगा, माला कर, वैसे भी तो खतरा है। हाँ प्रभु जी, वो तो कीर्ति बीन सही बोला, मेरे को माला अभी लेने आएगा वो। प्रभु मथुरा मंडल निकाल के रखना 2-4 माला, इमरजेंसी में बहुत सारे केस आएंगे आएंगे। वो आया, वो कभी भी आया नहीं मंदिर, लेकिन वो माला लेने आया। कीर्ति बीन प्रचार किया अपने सभी स्टाफ को भी, अभी यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। बात सही है। तो प्रभुपाद जी मानसिक शांति का अर्थ बता रहे हैं, मानसिक शांति या दूसरे शब्दों में मन की स्वस्थ अवस्था तभी प्राप्त की जा सकती है जब मन श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में स्थित हो। ये मानसिक शांति कब प्राप्त कर सकते हैं? जब हमारा मन भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में स्थित हो तभी हम मानसिक शांति में स्थित हो सकते हैं। तब तक मानसिक शांति का कोई स्थान नहीं है, कितना भी कुछ भी प्रयास कर ले। वो मैंने बताया पानी से बाहर निकले तो अल्लाह हाँ, मानसिक शांति, वो थोड़े समय के लिए, ये परमानेंट मानसिक शांति है भगवान की दिव्य प्रेमी सेवा में लगना। श्री भगवान के अंशों को श्री भगवान की सेवा करने की विशेष शक्ति प्रदान की गई है। भगवान ने हमको विशेष शक्ति दिया है, उस शक्ति से हम भगवान को क्या कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं भगवान ने अपने सेवकों को विशेष शक्ति दी गई है। हमारे पास इस जगत में जो भी जीव है, हर जीव के पास कुछ न कुछ विशेष शक्ति है, वो भगवान की देन है, और वो शक्ति से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक श्रेष्ठ व्यापारी को एक प्रशिक्षण रहता है व्यापार करने का, एक व्यापारी के बच्चे को व्यापार कैसे अच्छी तरह से करना उसका शिक्षण रहता है, ऐसे ही भगवान ने हमको एक विशेष शक्ति दे रखी है उनकी सेवा करने के लिए, कि हम उनकी सेवा कैसे कर सकते हैं। वो जागृत करना है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधे कबूनाय होय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय, श्रवण से उदय होगा। प्रभुपाद जी और महत्वपूर्ण पॉइंट लिख रहे हैं, आज्ञाकारी पुत्र कभी भी अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करता। हमारी समस्या कोरोना का मूल कारण यही है कि हमने भगवान की आज्ञाओं का क्या किया है, उल्लंघन, शास्त्र का निर्देश का उल्लंघन किया है। हमारा जीवन ये शास्त्र है, ये मैनुअल बुक है, मार्गदर्शिका है, उसके गाइडलाइन के ट्रैक से हम चले गए। बच्चा एक बाप के मार्गदर्शन से विपत हो जाता है, वो मार्ग भूल जाता है, वो दुख भुगतता है। ऐसे ही हम भगवान के मार्गदर्शन से भटक गए, इसलिए हम भयभीत हैं, ये भय से ग्रस्त है। भौतिक जगत में भय में स्थिति वो बनी रहेगी। कोई सोचेगा मैं स्वर्ग में जाऊं, वहां शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत सारे लोग अभी यज्ञ कर रहे हैं, ओम शांति ओम शांति ऐसे। हाँ, स्वर्ग में भी नियमित रूप से असुरों का आक्रमण होता रहता है। पहले बलि महाराज आक्रमण करते थे, अभी तो भक्त बन के भगवान की कृपा से अब दूसरे असुर आक्रमण करते होंगे। वहां भी भय, वहां भी लॉकडाउन किया ना बलि महाराज, जब आक्रमण किया तो स्वर्ग में भी लॉकडाउन हुआ। यस, भागवत में लिखा है, पूरा स्वर्ग खाली सुमसान, बली मार जाके बैठ गए, लॉकडाउन पूरा, और बृहस्पति ने कहा रूप बदलकर बाहर निकल जाओ। तो हमारे पास वो शक्ति नहीं है कि हम लोग रूप बदलकर तो कहीं चले जाए, लेकिन उनके पास, देवों के पास वो शक्ति थी, वहां भी लॉकडाउन होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं आगे, अतः परिवार के अध्यक्ष अथवा पिता की सहमति से अत्यंत शांतिपूर्ण जीवन बिताता है कौन, एक पुत्र। इसी प्रकार चूंकि श्री भगवान पिता है, अतः सारे जीवों को आज्ञाकारी पुत्रों की तरह अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से और संतोषजनक तरीके से निभाना चाहिए। हमारा जो कर्तव्य क्या है, क्या कर्तव्य? भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान की सेवा करना, जीवरे सर्व हर कृष्ण नित्य दास, वो हमारा कर्तव्य, तो वो बजाना चाहिए। और पिता की इच्छा पूरी करनी चाहिए, पिता की इच्छा है, भगवान की इच्छा में हमको इच्छा मनाना चाहिए। हम भगवान की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकते। भगवान किसी को मानना चाहते हैं, हम बचा नहीं सकते।
भगवत गीता को बचा ना सकते, हम मार नहीं सकते। यही भगवत गीता का सिद्धांत है कि हमको भगवान की इच्छाओं में हमारी इच्छाओं को मिलाना चाहिए। भगवान की इच्छा थी कुरुक्षेत्र युद्ध में मरे, अर्जुन ने पहले मना किया कि मैं आपकी इच्छा को मदद नहीं करूंगा, आप गलत कर रहे हैं, इतने सारे लोगों को मार रहे हैं, वो सही नहीं है। गीता समझने के बाद अर्जुन को रियलाइज हुआ कि वास्तव में भगवान की इच्छा को पूरी करने से ही कल्याण होगा, मेरा नहीं सबका, सबका कल्याण होगा। तो अर्जुन ने भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए लोगों को मारा। भगवान की इच्छा थी, क्यों इच्छा थी, बहुत जटिल और लंबा विषय। तो यहां पर बताया भगवान की इच्छा पूरी करनी चाहिए इस प्रवृत्ति से। इस प्रवृत्ति से मतलब भगवान की आज्ञा के अनुसार जीवन जीना और उनकी इच्छाओं को पूर्ति करने में मदद करना। भगवान की एक इच्छा भगवत गीता में बताया भगवान ने, मेरी इच्छा कि जो भगवत गीता का ज्ञान है वो सभी जीवों तक पहुंचाया जाए, ये भी भगवान की इच्छा है सभी जीवों तक, तभी वो जब जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो वो इच्छा इस प्रवृत्ति, इस प्रवृत्ति मीन्स हमको शास्त्र के अनुसार जीवन जीना है और भगवत गीता का प्रचार करना है, लोगों तक ये पहुंचाना है। इस प्रवृत्ति से ही मानव समाज में तुरंत शांति तथा संपन्नता आ सकेगी। दूसरा कोई मार्ग नहीं है इस जगत के अंदर, ये ओपन चैलेंज है, चुनौती है। कोई कुछ दूसरा शांति नहीं ला सकता, कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा। समय समय पर ऐसा अशांति का जो वातावरण है वो उत्पन्न होता ही रहेगा समय समय पर, और हो रहा है। हम इतिहास में देखिए, कई बार छोटा होता है, कई बार थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन अशांति का वातावरण इस समाज में बना रहेगा, क्योंकि दुखालयम अशाश्वतम, ये बौद्ध जगत दुखों से भरा हुआ है। तो प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के तात्पर्य में सार दिया कि भौतिक जगत में बड़े बड़े पदों पर आसीन लोग हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उनको भगवान की, विश्व का, खाली भारत के नहीं बता रहे कि भारत के पीएम को ही ये स्वीकार करना चाहिए, विश्व के सभी देशों के राजाओं को भगवान की सत्ता का स्वीकार करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, भगवान की शक्तियों का जो स्रोत है उसका सम्मान करना चाहिए, प्रेम का आदान प्रदान करना चाहिए, तभी पूरा विश्व शांति में रह सकता है। उसके बिना कोई संभावना नहीं है शांति की, और उसके बिना तो ऐसा ही ये भागदौड़, ये आपत्तिजनक स्थिति, महामारी और भयजनक स्थिति बनी रहेगी। उसका कोई आर्टिफिशियल सॉल्यूशन थोड़े समय के लिए हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए वो नहीं होगा। ये प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में समझाया पूरा पद्धति सर। हरे कृष्णा। तो इसमें जिसको को प्रश्न है तो दे सकते हैं, फिर हम आपका जवाब देंगे। कोरोना के संबंधित कोई प्रश्न है तो आप लोग नीचे लिख सकते हैं, हम आपको शास्त्रों के अनुसार उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अभी हम यहाँ जो वक्ता है, सॉरी श्रोताओं के बीच में से प्रश्न लेंगे। हाँ भगवान कहते हैं कि वे हमेशा लेकिन भक्ति की रक्षा भी कभी कभी नहीं हो पाती, जैसे कभी बीमार है तो सोलह माला भी नहीं होती है, नहीं है। जब तक हमारे पास जीव है और हम डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय, तो बोल तो सकते हैं, सोते सोते ही बोल सकते हैं, सोते सोते सोलह माला हो सकती है। भक्तिनाथ ठाकुर के जीवन चरित्र में आता है, जब एक ने कुछ जादू किया था उनके ऊपर, तो थोड़े वो बीमार हो गए थे एक बार, क्या बोलते वो नकली भगवान, तो हरे कृष्ण मान जप रहे थे। प्रभुपाद जी जब बीमार थे और एक बार जब क्या वो पैरालिसिस का अटैक आया था शुरुआत में, तो सो रहे थे प्रभुपाद, हरे कृष्ण करे, ससुर महाराज खड़े थे ऐसे मुंह बंद करके, बोला हरे कृष्ण करो, हरे कृष्ण करो, खाली मुंह क्यों बैठे हो,
तो वो हमारे लिए बद्ध अवस्था में कठिन हो सकता है, लेकिन अगर हम डिटर्मिनेशन हैं और तो किसी भी परिस्थिति में हमें हरे कृष्ण जप कर सकते हैं ना, किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं जप, और हमारा डिटर्मिनेशन है तो भगवान हमको सही भी करेंगे वास्तव में। फिर ठीक होके सेवा करना चाहते हैं तो ठीक करेंगे ना, फिर ठीक होने भी बाद भी सेवा नहीं करना चाहता, बोलो अच्छा है बीमार पड़ा रहे, हम ठीक होने के बाद सेवा नहीं करना चाहते तो मतलब क्या ठीक होने का, ठीक होने के बाद सेवा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जब, और हम कान तो खुले हैं ना, आप कितने भी बीमार हैं श्रवण कर सकते हैं ना, श्रवण तो कर सकते हैं ना, किसी भी अवस्था में श्रवण कर सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, भक्तों से वार्तालाप कर सकते हैं, कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भक्ति की रक्षा भगवान नहीं करते हैं, भक्ति रक्षा मतलब ऐसा नहीं है कि जो आपने पिछले किया उसके नाश हो गए, नेहा अभी कमो नास्तोस्सि प्रत्यपाय न विद्यते सो अल्प से धर्म से त्रातो मा तो भयात, अल्प मात्र भक्ति किया उसका तो नाश नहीं होता, भगवान उसके बारे में कहते हैं, ये तो आप प्रगति के बारे में कहते हैं, आगे फर्दर प्रोग्रेस, अभी बीमार है तो आगे प्रगति नहीं कर रहे, लेकिन जब अच्छे थे तब भक्ति किया उसका नाश नहीं होगा, अभी आप जप नहीं कर रहे तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान पिछला जो आपने किया उसका सब धुलाई हो जाएगा, वो तो नाश नहीं होगा ना, वो अगले जन्म आपको मिलेगा वहां से। आपका जो प्रश्न है वो है कि आगे प्रगति नहीं हो रही है उसमें भगवान मदद नहीं कर रहे, उसके संबंधित वो प्रश्न है, तो उसमें भी हम पर्याप्त मात्रा में हमारी चेतना को अगर हम दृढ़ निश्चय है तो कर सकते हैं, और हमारा कृष्ण भक्ति में इतना शरीर बहुत हालत खराब है तो इस शरीर छोड़ने के बाद अगले जन्म में अच्छा शरीर मिलेगा, इच्छा करेंगे भगवान आपकी सेवा करनी है तो भगवान अच्छा शरीर देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं देंगे, अगर हमारी इच्छा है तो। कमेंट भगवान की कृपा नहीं है, जब आदमी मांगता है तब उसको पता चलता है ना दुखालय में सांस लेता है, तो वही भगवान की कृपा है, इस मार्ग का मंदिर में पड़ा रहता है। हाँ सही बात है, मैं खा दूंगा सोना वाला करता हूँ, परीक्षा की परिस्थिति आती है कितने भक्ति में आप, हाँ वो भक्ति की रक्षा होगी ना, कोरोना ने बहुत भक्तों की परीक्षा ले लिया, बहुत भक्तों को अच्छे अच्छों की स्तुति खुल गई, ऐसा होता है। हाँ बोलो, ऐसा लगता है कि ये मतलब भक्ति इंडिपेंडेंट है और सुप्रीम है, हाँ भौतिक जो है जगत में भौतिक विषय या भौतिक चीजें भौतिक मेंटालिटी जो भी है वो भक्ति को रोक नहीं सकता, हाँ तो इस बात का पुष्टिकरण अभी क्या है कि मैं जो हैदराबाद में था तो एक भक्त ने और एक भक्त का जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे उनका उदाहरण दिया कि वो बहुत अच्छे बुक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, भक्त हैं और वो कहीं पे भी जाते हैं तो एकदम टॉप पोजीशन पे जो भी लेवल पे हैं उन्हीं के पास जाते हैं और उन्हीं को कन्विंस करते हैं बुक लेने के, तो वो ऐसा बहुत किए थे बुक डिस्ट्रीब्यूटर के बाद, बुक डिस्ट्रीब्यूशन किए थे बाद में उनका शरीर का रोग इतना बढ़ गया कि वो कुछ नहीं कर सकते सिवाय लेटे, तो वहीं से वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कॉल करके ये करके करते थे, जैसे हमारे भाई कहीं चैतन्यानंद गुरु जो नाम थे वो भी ऐसे बोन कैंसर, हाँ तो वो भक्त बाद में गुजर गए। तो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे है कि उन्होंने एक खत लिखा है और उन्होंने उन्होंने वो खत पढ़ने से पहले सबको पढ़ाने से पहले उन्होंने जो भक्त उनका देखभाल कर रहे थे उनको बताया कि ऐसे जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे बहुत सारे मित्र हैं उन रिलेटिव्स हैं सबको एक जगह पे बुलाइए और एक प्रोग्राम रखिए और मेरे बॉडी को वहाँ पे रखिए, मेरे बॉडी को वहाँ पे रखिए और ये खत जो मैंने लिखा है वो सबके सामने पेश कीजिए और एक बुक टेबल के अरेंज कीजिए जहाँ पे प्रभुपाद के पुस्तक है। उन्होंने वो जो भक्त उनका देखभाल कर रहे थे तो उन्होंने वो खत पढ़ा उस शरीर के सामने जो मृत शरीर है और खत पढ़ने से पहले उन्होंने बताया, सो लेडीज एंड जेंटलमैन आप सोच रहे हो कि मैं मर गया हूँ लेकिन मैं शरीर नहीं, मतलब वहां से वो शुरू करते हैं पूरा भगवद गीता का खुलासा बताते हैं, तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो मरने के बाद भी उन्होंने इतने सारे पुस्तक दिए और उन्होंने मतलब प्रचार किया बहुत सारे
सारे लोगों ने टेम्पल से बहुत सारे पुस्तक लिए थे, प्रचार किया, सारे इंस्टेंसेस है जिसमें कि मृत्यु भी किसी को रोक, भक्ति को रोक नहीं पाती। हाँ प्रभु जीता ही नहीं। अगर अभी किसी को हो जाए कोरोना वायरस, किसी को मतलब भक्त को, भक्त को या भक्त को किसी को भी, हाँ पॉजिटिव हो गया उसके, हाँ उसके लिए आपका क्या सुझाव है, प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए? जो प्रैक्टिकल ये है कि आप बोलते हैं हरि नाम करना चाहिए, लेकिन कोरोना वायरस के परिस्थिति में गला भी जो है वो कफ से भर जाता है और आप कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, आप सांस भी नहीं ले सकते हैं, उनके लिए आपके पास क्या प्रैक्टिकल सुझाव है? प्रैक्टिकल सुझाव है कि श्रवण करो, मन में बोल सकते हैं, प्रभु वैसे भी दूसरा उसके पास तो दवा तो वैसे भी नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र जब करेंगे, प्रभुपाद जी ने नेहा अभिकमो नास्तो अस्ति प्रत्यपयो न विद्यते सब अल्प से धर्म से त्रातो मातो भयात्। प्रभुपाद ने कहा त्रातो मातो भयात् का मतलब है कि इस जन्म में थोड़ी भक्ति की है तो अगले जन्म में मनुष्य शरीर जरूर मिलेगा, जिससे हम भक्ति को क्या कर सकते हैं, अगर कंटिन्यूस चालू रख सकते हैं तो मतलब कम से कम वो बेनिफिट मिलेगा। अगर वो हरे कृष्ण नहीं करेंगे तो वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। और यम यम वापी स्मरण भावम तयंतंते कलेवरम तम तम एवति कौनते सदा तद भाव भावित। कोरोना के बारे में सोचेंगे कोरोना बन जाएंगे और बनकर दूसरों को परेशान करेंगे। तो इससे कोरोना बढ़ रहा है इसका कारण एक भी ये भी हो सकता है, भगवद गीता का श्लोक है तो, कि जो लोग मर रहे हैं वो मल्टीप्लीकेशन उनका हो रहा है, दूसरे को मार रहे हैं। तो इसका रोकने का मूल कारण तो यही है कि दूसरे जीवों को कोरोना बनने से बचाना है। तो हरे कृष्ण महामंत्र ये प्रैक्टिकल चीज है, शास्त्रीय है ये, तो शास्त्रीय है, उसमें कोई मीन्स हंसी या कोई एक मजाक का विषय नहीं। बात भगवान ने कहा है कि हम मरते कोरोना 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 कोरोना, तो मरते समय वो स्मृति रहेगी, वो स्मृति रहेगी तो शरीर उसका मिल जाएगा। तो यही प्रैक्टिकल सलाह है, और तो कोई सलाह है ही नहीं, कोई सलाह नहीं और कोई सलाह काम करेगी नहीं। हरे कृष्ण महामंत्र के जप और कृष्ण का आश्रय लेने के सिवा आए कोई सलाह काम नहीं करेगी, यही सलाह है। अभी आप तो लॉकडाउन में हैं, घर में बैठे-बैठे क्या कर रहे हैं? हाँ तो जप करो और यस बहुत सारे गृहस्थ भक्त बोलते हैं प्रभु समय नहीं है समय नहीं है समय नहीं, भगवान बोला मैं दूंगा चिंता मत करो बहुत समय दूंगा, पूरा भागवतम पूरा कर दो, भागवतम पूरा कर दो, चैतन्य चरित्र पूरा कर दो, प्रभुपाल लीलामृत प्रभुदेवा पुस्तक 16 माला करो समय समय। हाँ हाँ अभी अभी सब मूर्ख लोग टीवी पे बैठे और सुन रहे एकदम, उसकी वजह से टीवी बंद कर दो। आज शाम को मैं रामकथा शुरू करने वाला हूँ, रामकथा लाइव होगा, तो भगवान राम रामनवमी आ रही है, भगवान राम की चेतना में हम लीन रहेंगे, मधुर कथा है भगवान राम की, तो सुनेंगे क्या क्या मिलेगा समाचार से, जो मरने हैं वो मरने हैं, उसमें टीवी देखने से सोचने से एक भी संख्या ऊपर नीचे नहीं होगी। टीवी से ज्यादा यूट्यूब, हाँ यूट्यूब जो भी देखो, लेकिन मरने वालों की संख्या भगवान ने जो प्लान किया उसमें एक भी ऊपर नीचे नहीं होगा, एक भी नहीं होगा, ना तो ज्यादा मरेगा ना कम मरेगा। इसलिए उसमें एंग्जाइटी रखने की जरूरत नहीं है कि कौन सी सिटी में आया है कौन से वो आया है, ठीक है एक इंफॉर्मेशन जानने के लिए क्या हो रहा है बाजार में वो थोड़ा जान सकते हैं ताकि हम कहीं लाना जाना ये वो, लेकिन फोकस तो हरि कथा में करेंगे। तो क्या समय रखेंगे गुरु शाम का, समय क्या रखेंगे शाम का, कितने बजे? अभी तो कोई नौकरी जा नहीं रहा है, तो लेट नहीं, कुछ लोग जा रहे हैं ना, कुछ फैक्ट्री चालू है अभी अभी हमारे हाँ लाइव होगा ना, तो अभी हमारे मंदिर में टीम प्रोग्राम कर दिए मॉर्निंग में दोपहर को और शाम को तीन टाइम लाइव होता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि 8 बजे रखेंगे, तो किन टाइम कर सकते हैं? हाँ ठीक है 7:30 से 9 दोपहर को भी कर सकते हैं, 7:30 से 9 पद्धति से लेंगे रामायण सिस्टमेटिकली पूरी। वैसे भी मेरी ये जमीन पर करने की इच्छा थी, गुरु महाराज ने इच्छा व्यक्त किया, आप मीटिंग में थे, सेवा विलास प्रभु
रामनवमी के समय में रामायण की कथा करते हैं ऐसे, तो भगवान इधर मौका दे दिया तो इधर कर लेंगे ऐसे। हाँ प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, प्रभु हमें मेरा एक प्रश्न है कि जो लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हैं हाँ, अभी उनके लिए क्या सलाह, वो क्या करें तो उनके लिए अच्छा हो, इससे डर के हमें पड़े रहे मरने के डर से, या फिर और वो क्या कर सकते हैं? वही बोला हरे कृष्ण कर सकते हैं, और वैसे भी कुछ भी नहीं कर सकते, वो बाहर आएंगे नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं वो। हरे कृष्ण उसको आत्मा, हरे कृष्ण नाम से उनका आत्मविश्वास आएगा, भगवान का नाम लेने से शुद्धिकरण होगा। उसका एक उत्तर है प्रभु जी, हाँ वो एक भजन गा सकते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर का, हरि हरि विफल जन्म को हरि, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाई लू, कोरोना खाई लू। तो लास्ट में भगवान प्रार्थना सुनेगा, ठीक है तुमने मेरे भक्त का भजन गाया है, किसका गाया, तेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है लेकिन तुमने भक्त का गाया हुआ भजन गाया, ठीक है तेरे को अगले जन्म में कृष्ण भक्ति देता हूँ। और कोई सलाह नहीं है, मीन्स वो कोई बोले थे, वो हमारे सीएम पूछ रहे थे लाइव करके, कोरोना वायरस से ग्रस्त उनको पूछे कैम छो, मतलब कैम छो क्या है, वो तो बेचारा मर पड़ रहा है, वो कैम से पूछ रही अच्छा है, ऐसा थोड़ी होगा, वो हाउ डू यू फील, फील वो क्या फील करेगा, मतलब उसमें क्या कोरोना वायरस वो इसलिए जानना चाहते, जो नहीं आया उसको जानना चाहते क्या पीड़ा होती है अंदर, वो जानना चाहते, मतलब हाउ डू फील का मतलब वही है। हाँ प्रभु एक मिनट, दूसरा प्रश्न, एक और प्रश्न वो मेरी वजह से दूसरे भक्त इन्फेक्टेड हो, तो मतलब वो इफेक्टेड हो गया, वो सोच रहा है कि मेरी वजह से इफेक्टेड ना हो तो हो गया, नहीं संदेह सरकार के नियमों का तो ध्यान रखना चाहिए हमको, लेकिन जो नजीक है तो वो तो आ सकते हैं, बहुत ज्यादा दूर से नहीं है तो हाँ, हम लोग भौतिक ग्रस्त में इफेक्टेड है ही, भौतिक ग्रस्त में एक्चुअली कई बार कर्म लोग अच्छे होते हैं, घर में मंगला आरती कर सकते हैं आप, ऐसा लगता है कि ठीक है मैं कंपनी जा रहा हूँ कुछ लेके आऊंगा भक्तों को, ठीक है घर में करो 5:30 बजे या 4:30 बजे हरे कृष्ण करो, भागवतम क्लास करो, घर में भक्ति का वातावरण बनाओ, उसमें क्या प्रॉब्लम, ठीक है कर्फ्यू लग गया नहीं आ सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप घर में करो कोई प्रॉब्लम नहीं। हरे कृष्ण, एक और प्रश्न प्रभु, हाँ भगवान की सत्ता का स्वीकार करके व्यक्ति समझता नहीं कि उदास हूँ, और तब तक उसकी समस्या का शांति नहीं प्राप्त होती। हम देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री जो है अपने प्रवचनों में और जहाँ भी है वो बोलते हैं कि मैं तो मेरा तो अस्तित्व ही नहीं, मैं तो 125 करोड़ जनता का दास हूँ, और अपने नाम से आगे लिखते हैं चौकीदार, मैं तो आपका सेवक हूँ और मेरा काम ही है सेवा करना। नरेंद्र मोदी तो कुत्ता मर गया, अभी मैं यहाँ पे जहाँ उपस्थित हूँ मुझे सिर्फ आपका सेवा ही करना है, और सब हमारा काम ही चौकीदारी करना है, सभी पूरी देश की चौकीदारी करना। तो बाह्य विशेषण प्रतीक होता है कि नंबर है और सबका सेवा कर रहे हैं, तो इसमें क्या खराबी है शास्त्र के अनुसार? खराबी नहीं, अच्छी बात है, एटलीस्ट कम से कम भगवान को स्वीकार कर रहे हैं और कहीं जा रहे हैं तो गीता गिफ्ट में दे रहे हैं, मतलब सेवक को सबसा, मतलब जनार्दन है और जनता जो है 125 करोड़ जनता ने मुझे इस स्थान पे पहुंचाया है, मुझे उनकी सेवा करनी है, मुझे उनकी चौकीदारी करनी है, जनता के साथ मुझे लोगों को मदद चाहिए। नहीं मतलब एग्जैक्टली वो किस कॉन्शियसनेस से बोल रहे हैं, अहंकारवश बोल रहे हैं या वास्तव में नम्रता है, वो तो व्यक्ति के अंदर की सोच से पता लग सकता है, मीन्स कुछ हद से बात समझ नहीं, लेकिन उनका मनोभाव क्या है। चिंता मत कीजिए, लाइव चल रहा है, उनको मैसेज जाना चाहिए। हाँ मैसेज तो जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो समस्या है नहीं, कई बार वो गीता देते हैं तो वो
ऐसे भी बोलते हैं कि दुनिया में इस पे देने ज़्यादा गिफ्ट कोई चीज़ नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है कि उनको भगवान के बारे में पता नहीं है, रामकृष्ण के बारे में तो भगवान के बारे में पता है और उनको ये भी पता है कि भगवान जैसी चीज़ है, लेकिन जो पूर्ण कृष्ण भावनामृत का स्तर होना चाहिए वो स्तर नहीं है। हाँ, कृष्ण भक्ति का इतना स्तर है कि गीता के अंदर श्रद्धा है थोड़ी। ना जनता को जनार्दन बोल रहे हैं तो वो सही नहीं है। सांस्कृतिक सांस्कृतिक गुण तो वो तो वो समस्या है। तो ये तो वही हो गया, मानव सेवा माधव सेवा वाला कॉन्सेप्ट आ गया, तो ये तो गलत सिद्धांत है। यथा तरोर मूल निचेसिने तृप्त्यंती भुजोपशाखा प्राण उपार अहरणम अच्युत तेजया। मूल में पानी डालना पड़ेगा, मूल में पानी डालना पड़ेगा। तो ये समस्या में था, वो अंडरस्टैंडिंग गलत है, वो तो सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जनता तो ठीक है, भगवान के अंश है, प्रजा है, लेकिन भगवान तो ईश्वर है ना, तो ईश्वर और प्रजा में अंतर होना चाहिए। हाँ हाँ, दोष है, ये दोष है, वो तो एक तरीके से देख बोला जाए तो वो नास्तिक है, दोष है। थोड़ा गीता पर श्रद्धा है, ऐसा नहीं है हाव नास्तिक है, थोड़ी गीता पर श्रद्धा है। गिफ्ट देते हैं तो मतलब हम गिफ्ट कब देंगे, जब हमको थोड़ा तो विश्वास होगा तब देंगे कि ठीक है इसमें कुछ है मिलेगा। तो फिर समस्या का समाधान नहीं होगा। हाँ, तो फिर हमारा नंबर वो इटली में आने वाला है। एक्चुअली वो राष्ट्रवाद आरएसएस जो है पूरा, वो राष्ट्रवाद का फिलोसफी है, कल्चर भारत का फॉलो करना चाहता है, वो ये उनका समस्या है। वो उनका फिलोसफी पूरा क्या है, नेशनलिज्म को लेकर चलते हैं, पर कल्चर पूरा तो समाज में पूर्ण शांति नहीं ला सकते हैं, तो संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं हो। तो हमारे एक ओपनली भागवतम का एक टॉपिक डिस्कस हो रहा है, कुछ व्यक्ति को रिलेटेड नहीं हो रहा है, एक सोच को लेके हो रहा है, एक विचारधारा को लेके हो रहा है कि भाई इस व्यक्ति की मनोभावना ये है, तो भागवतम का क्या स्टेटमेंट है उसके बारे में चर्चा हो रही है। ऐसे मतलब हर एक व्यक्ति की मनोभावना होती है, तो भागवतम इसके बारे में क्या कहता है उसकी चर्चा हो रही है। तो मतलब जो अगर ऐसी सोच है तो वो किसी को बचा नहीं सकते और शांति नहीं ला सकते। प्रभु लोकसभा का विषय है, पार्ट है, अधिकार, एक चर्चा का विषय है, व्यक्तिगत नहीं है, एक एक दृष्टिकोण कि ऐसे लोगों क्या सोचना चाहिए। भागवतम क्या कहती है, प्रधानमंत्री सुझाव नहीं मानते, क्या करना चाहिए, मुझे क्या बोलना चाहिए, मुझे यहाँ पे जाना है, आप बताइए मुझे, सुझाव नहीं सकते। ये सुझाव मतलब हमारे एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना है ऐसे फिलोसॉफिकल ऐसे। ठीक है, अभी पूरा करेंगे शाम को 7:30 बजे, फिर धीरे धीरे। हरे कृष्णा, श्रीमद् भागवतम की, शिला प्रभुपाद की।
इत आई गो प्रेमानंदे।